मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन के पिंपरीपाड़ा पानी टंकी के पास जंगल में आज सुबह करीब 10 बजे किसी ने पुलिस को कॉल करके बताया कि यहां जंगल में एक महिला की नग्न अवस्था में शव पड़ी है। कुरार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव की शनाख्त के शुरू में प्राथमिक जांच के आधार पर महिला बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी थी। उसके सर पर किसी ने पत्थर से कई वार किए थे। शव की हालत को देखते हुए ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। महिला की शव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला का मर्डर आज सुबह करीब 5 बजे किया गया है। मौके पर पहुंची कुरार पुलिस के साथ एडिशनल सीपी दोजे साहब और डीसीपी रामकुमार के अनुसार किसी प्रकरण की पुष्टि महिला के शव के पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। प्रथम जांच से महिला को किसी पत्थर से मारा गया है। हालांकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक महिला की कुछ भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस कुरार के मिसिंग रिपोर्ट देखने के बाद शायद किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने खोजी कुत्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये कुरार का पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मर्डर केस हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन इस बार पुलिस पूरी उम्मीद के साथ जांच में जुट गई है। 9:45 के दरमियान कंट्रोल पे फोन आया था कि कुरार पुलिस स्टेशन के लिमिट पे जो पिंपरीपाड़ा जंगल है, उस जंगल में एक महिला की लाश पड़ी है। तो फिर हमारे कुरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और एसीपी सब यहाँ पे आए और देखे, यहाँ पे एक 25 से 30 साल उम्र की एक लड़की की लाश मिल चुकी है। हम जब आए थे तो उस समय वो न्यूड थी, नग्न अवस्था में उसकी लाश मिली थी। और हमने यहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड को भी बुलाए हैं और बेसिक हमारा तपास हमने शुरू किया है, गुना भी दाखिल कर रहे हैं और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, जो भी कुछ प्रोग्रेस है, हम आपको दे सकते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ शमा खान, द टाइम्स 24/7 न्यूज़, मुंबई।